आई डोंट नो जन्नत कैसी होती है, पर अगर होती होगी तो कुछ ऐसी होती होगी। हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आज है 15 दिसंबर और दिन है मंगलवार, ट्यूसडे। एंड यस, आई एम इन ऋषिकेश और अभी 7 बजे मैं उठी एंड थोड़ा सा फ्रेशन अप हुई हूँ। एंड उसके बाद मैंने सोचा है कि आज थोड़ा मॉर्निंग वॉक के लिए, क्योंकि आपको पता है अगर आप मुझे बहुत टाइम से देख रहे हैं मेरे वीडियोस, तो मैं सुबह सुबह किसी भी जगह, नई जगह जाती हूँ, ट्रैवल करती हूँ, तो मैं सुबह उठ के थोड़ा वॉक पे जाना पसंद करती हूँ उस जगह की फील लेने के लिए। सो दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू राइट नाउ। बस सब कुछ रेडी है, बस बैग लेना है एंड निकलना है। चलो रास्ते में बात करेंगे। गाइस, सो मैंने राम झूला के लिए एक शॉर्टकट ले लिया। दो मैं इस वाले रास्ते से पहले भी आई हूँ, जब मैं, मम्मी और तारिका आए हुए थे तब, तो मुझे याद नहीं था बट कोई जा रहे थे तो मैंने उनसे पूछा। बाय द वे, ये डॉग मेरे साथ साथ चल रहा है, ही इज़ लाइक फॉलोइंग मी और एक्चुअली गिविंग मी कंपनी। यस, तो मेरे साथ साथ चल रहा है बेचारा। अभी ये देखो, ये हम अंदर शॉर्टकट से जा रहे हैं रामझूला। एक्चुअली मुझे रामझूला नहीं जाना है, मुझे रामझूला के पास गंगा बीच है, वहाँ जाके थोड़ी देर मेडिटेशन करना है। और मैंने सोचा थोड़ा वॉक भी हो जाएगा एंड मेडिटेशन का मेडिटेशन भी हो जाएगा। सो बस जा रहे हैं अपन। इतनी शांति होती है यार सुबह सुबह, इट्स वेरी काम यार, इट्स वेरी काम। किसी भी जगह पे जाओ, मैं तो हमेशा कहती हूँ सुबह सुबह रेकी करो, थोड़ा घूमो, वॉक करो, यू लव इट, सी द गोल्डन लाइट। और यहाँ से गंगा भी दिख रही है। सो शॉर्टकट से देखो, ये श्री गीता कुटीर है, ये रास्ता है, गीता कुटीर के जस्ट सामने से रास्ता है गंगा बीच का। वी हैव रीच्ड, ओ माय गॉड। ओके, सो मुझे यहीं आना था बस। लेट मी फाउंड अ स्पॉट जहाँ पर आराम से मैं बैठ सकूँ। ओ माय गॉड, गंगा मैया, आई एम हियर। Look at the sand. It's white sand. Oh, dude, it's amazing. I'm gonna chill here for one hour. जितनी देर मेरा मन नहीं भरेगा उतनी देर मैं बैठने वाली हूँ यहाँ पे। Oh my God, and look at the Lakshman झूला. I'm so sorry. It is Ram झूला. Lakshman झूला तो हम पीछे छोड़ा है, जहाँ हम रहते हैं वहाँ Lakshman झूला है, this is Ram झूला। एंड हम आ गए हैं गंगा तट पर। इन हिंदी इट इज़ गंगा तट। ओके, यहाँ पे नो बाथ लिखा हुआ है, इसका मतलब अब यहाँ पे डुबकी उबकी नहीं मार सकते, इट्स नॉट द प्लेस टू डिप इन। ओके, आई एम गोइंग टू डिप माई फीट बिकॉज ओ माई गॉड इट्स सो कोल्ड। एंड ये सैंड जो है ज़्यादा ट्रस्टवर्दी नहीं है, पूरी अंदर जा रही है। माय गॉड इट इज सो कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंडा है।
तो वो अभी मैं आई हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए एंड या इट्स 10 बज गए. मैं एक्चुअली गंगा घाट से ही 9 बजे आई, आने के बाद आई टुक शार और रेडी हुई तो 10 बज गए. सो या आई एम सो हंग्री राइट नाउ, क्योंकि शार लेने के बाद तुरंत बहुत भूख लगती है. For breakfast we have puri, poha and chole. Yum yum yum. Abhi hai ye curd bhi hai. Okay. आपको पता है ये क्यों लगाया जाता है? बाय द वे कहा जाता है कि इन फ्लैग्स में ना जो मंत्रास लिखे होते हैं, जो चीज़ें लिखी हुई होती है, अच्छी बातें, वो सारे ना हवा में से जब ये विंड से ये ब्लो करती तो वो पॉजिटिविटी फैलाते हैं एनवायरनमेंट में. एंड या